उसको ऐसा ले लेके इधर से ऐसा चले जाओ, सेट कर दिए नहीं जगह को हम सेट कर लेते बोलते हैं। तो ये भी बोले आप, उन्हें ये बोले कि देखो भाई ओल्ड सिटी के वास्ते अपना तो आप एम पी साहब से एमएलए साहब से इधर आ जाए। ऐसा लियो बोले साहब ये पूरा उठा दे रहे पीले रंग आदमी को बता दिए आप इधर हाथ नहीं लगाना भाई। आप ऑलरेडी यहाँ उधर अरे अब आप बोलेंगे पूरा महल्ला मेरा है बोलेंगे क्या है साहब। और सर कॉलेज के सब लिए पूरा रिकॉर्ड रहता। अच्छा ठीक है। अरे साहब देखो आप ये डेवलपमेंट करता हूँ बोले तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सुने हर आदमी को अपनी बात रखने का पूरा हक है, पूरी वो करने का वो है। आप बोलेंगे ऐसा नहीं बोले तो ऐसा नहीं होता, ऐसा डेवलपमेंट रखो। सुने सुने आपको वही भी सुने आप करके मैं बना दो बोले तो भाई ठीक है सर बोल समझे ठीक है। आज आईटीआई खबरस्तान के अंदर जो प्रिंसिपल एजाज साहब और हमारे सुप्रिंटेंडेंट कुंडल रेड्डी साहब और कॉन्ट्रैक्टर मिलकर जो पुराना खबरस्तान है पिछले 70-80 साल का और वहां पर खबरें मौजूद है उसको मुस्मार करके खबरस्तान को आईटीआई की बाउंड्री के अंदर लिया जा रहा था। जैसे ही आवाम यहां पर जमा हुई और मुझको इत्तला दिया गया तो मैं भी यहाँ पर आया, आके देखने के बाद में इस काम को रुकाया गया है। और ख़ास तौर से प्रिंसिपल साहब से हम मुसलसिल नुमाइंदगी किए हैं कि आपकी आईटीआई की जो दीवार है उसको बनाना है तो आप बनाइए, लेकिन खबरस्तान और आवाम को जो रास्ता दिया जा रहा है उसको छोड़कर आप काम करिए। लेकिन उन्होंने कई बार हम उनसे आके बातचीत किए, हमको ये तयखुन दिया गया कि जब तक के जॉइंट इंस्पेक्शन एमएलए साहब और हमारे डायरेक्टर साहब नहीं करते हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर पिलर्स को डालकर काम करवा रहे हैं और आवाम के एहतजाज के बाद में और हमारे काला पत्थर इंस्पेक्टर साहब और एसआई वगैरह सब यहाँ पर आए, आगे तमाम तफसीली मायना किया गया है। और मैं पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि फौरी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, जो खबरस्तान है खबरस्तान की जगह छोड़कर आप काम कर लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप खबरस्तान को मुस्मार करके ये कहेंगे कि मैं पुराने शहर में डेवलपमेंट को लाना चाह रहा हूँ तो ये गलत बात है। और आज का कोई खबरस्तान नहीं है, कोई नए खबर नहीं है, पिछले 70-80 साल से पुराने खबरें वहाँ पर मौजूद है। हम लेकर जाके उनको इंस्पेक्शन कराने के बावजूद भी उन्होंने इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरा डिमांड एक ही है कि प्रिंसिपल साहब को और सुप्रिंटेंडेंट को फौरी बरतरफ किया जाए और ये खबरस्तान का तहफ़ किया जाए।